मात्र 3,99,000 रुपया हमें दीजिए और गोरखपुर में अपना मकान बनाइए, अपना एक सुंदर सा आशियाना बनाइए। यहाँ पे लगभग उत्तर प्रदेश सरकार की 10,000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं जो है यहाँ पे चल रही है। EMI की सुविधा भी मिलने वाली है। हमारी साइट बिल्कुल जो है सड़क के बराबर एकदम ऊंची जमीन पे है, आप देख सकते हैं, और तत्काल मकान आप बना सकते हैं। देखिए हमारा TPS है, दिल्ली पब्लिक स्कूल का गेट। जो नीतीश जी आपको बताते हैं, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि लगभग अभी तक 500 प्लाट की बुकिंग हो चुकी है यहाँ पे, पहले कब्जा उसके बाद रजिस्ट्री। और आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शानदार प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो साइट होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका ये जो साइट है मात्र आपके स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। जो सरकार की तमाम सारी परियोजनाएं चल रही हैं आसपास में ही आपको काम देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको यदि स्कूल और शिक्षा का बात रहा तो आपको बहुत सारे जो कॉलेज हैं आपको इसके साइट के आसपास में ही देखने को मिलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात, यदि आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या तो आप तत्काल गोरखपुर में अपना खुद का शानदार मकान बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिएगा। काफ़ी सस्ते रेट के अंदर पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे गोरखपुर में सबसे सस्ता रेट आपको ज़मीन यहां पर देखने को मिलने वाला है। और जो लोकेशन रहेगा, लोकेशन भी शानदार है और ज़मीन भी आपको काफ़ी सस्ता रेट में मिलेगा। साथ ही साथ आपको इस जगह पे EMI की सुविधा भी मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा, यहाँ के जो ऑनर हैं हम उनको बुलाएंगे, उनसे सारी जानकारी लेंगे इस साइट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे साथ मौजूद हैं शिवाजी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज का जो हमारा जो साइट होगा, जो प्रोजेक्ट होगा, किस चीज पे होगा थोड़ा सा बताएं जी। आज का हमारा ये प्रोजेक्ट है मानीराम में। आप ये जानकर, आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये हमारी साइट बिल्कुल जो है सड़क के बराबर एकदम ऊंची जमीन पे है, आप देख सकते हैं, और तत्काल मकान आप बना सकते हैं। आसपास में देखिए तमाम मकाने बनी हुई है, ठीक है। ये साइट हमारा जो है मानीराम रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे लगभग उत्तर प्रदेश सरकार की 10,000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं जो है यहाँ पे चल रही हैं। जी जी, आप देख सकते हैं कि हमने जिनको भी प्लाट दिया है तत्काल पोजेशन दिया है। आप जानते ही हैं कि हमारा वही पुराना फंडा है, पहले कब्जा उसके बाद रजिस्ट्री। और इसके साथ साथ हम आपको यहाँ पे किस्तों में भी प्लाट देने के लिए जो है योजना बनाए हुए हैं। आपकी तमाम डिमांड थी आपके दर्शकों की कि हमको किस्त पे प्लाट चाहिए, तो ये साइड हम आपको किस्त पे भी देने के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिए हम जो है 3 फेज में काम करने वाले हैं। ये हमारा फेज 1 है जहाँ पे जो है आपको तत्काल पोजेशन और तत्काल मकान बना सकते हैं। अच्छा। इसके 200 मीटर पीछे जो है हम फेज 2 बनाएंगे और उसके 500 मीटर पीछे जो है हम आपको जो है फेज 3 में जो है यहाँ पे प्लॉट दे सकते हैं जी, जिसपे जो है EMI की सुविधा फेज 2 और फेज 3 में उपलब्ध है। अच्छा अच्छा। मित्रों चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे रेलवे स्टेशन गोरखपुर तरफ, और रेलवे स्टेशन से लेकर के हमारे इस साइट तक आने के जो भी व्यूज पॉइंट हैं, जो भी हमारे लोकेशन है और सारी चीजें हैं आपको दिखाते हुए। प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो है इस समय गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे, और आप देख सकते हैं कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहले में और आज में कितना तब्दीली हो चुका है। और हम जो है रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 पे हैं जी, और आप देख सकते हैं यहाँ से हम अपने कस्टमर को जो है रिसीव करेंगे और यहाँ से रिसीव करते हुए सीधा हम अपने प्लाट पे लेके चलेंगे जो यहाँ से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पे है। देख सकते हैं हमारी जो गाड़ी है वो बढ़ चुकी है प्रोजेक्ट की तरफ। और ये सर बताइए कैसे लोकेशन है, कैसे क्या है, थोड़ा बताएं। देखिए प्रोजेक्ट लोकेशन की बात की जाए तो वहाँ पे हमारे साइट के जस्ट बगल में जो है जंगल कौड़िया है। जंगल कौड़िया से माड़ा पार जो है एक रिंग रोड निकल रही है जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने अभी 2 महीना पहले ही किया है और बहुत जल्द वो रिंग रोड बनकर तैयार हो जाएगी। तो सीधा जो है समझिए NH 28 से लेकर के और जंगल कौड़िया तक जो है बीच का सफर बिल्कुल आसान हो जाएगा। जी जी जी। तो भाई देखिए ये जो रूट आपका जा रहा है, ये जो आ गए हैं धर्मशाला पे अभी हैं। जी, हम लोग इस समय धर्मशाला पे हैं और यहाँ से मात्र जो है 2 किलोमीटर की दूरी पे हमारा जो है गोरखनाथ मंदिर है। अभी हम लोग आगे चलते हुए जो है गुरु गोरखनाथ मंदिर जी का जगह जो है दर्शन करेंगे। बिल्कुल। तो हर एक रूट को आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। रेलवे ये हम सभी आ चुके हैं जो है गोरखनाथ मंदिर के जो है गेट पे। ये हमारे गोरखनाथ मंदिर का जो है प्रथम गेट है, मेन गेट है, और यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे हमारी साइट है और मंदिर से सीधा हम जो है अपने ब्लड प्लाट की तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके जस्ट सामने जो है ये फर्टिलाइजर खाद कारखाना है गोरखपुर का,
हमारे पूरब साइड में, और जस्ट इसके बगल में ये चिलुआ बिहार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल, इसको डेवलप किया जा रहा है। देख सकते हैं कि चारों तरफ जो बंदे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ पे क्रूज और सारी जो है हाईटेक जो है सुविधाएं रहेंगी, जिसको जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। क्योंकि हमारा जो ये मार्ग है, जो रोड है, ये हमारा सुनौली रोड है जो सीधे नेपाल को टच करता है जी। वो जो आपको केसरिया रंग की बाउंड्री दिखाई दे रही है, वहीं पे हमारे गोरखपुर में जितने इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं उनका चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग स्टेशन है वो जी। आप सामने देख सकते हैं ये बीच में जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर के बाएं साइड में जो खाली ज़मीनें जो दिखाई दे रही हैं, इस यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाने का जो है प्रस्ताव है। और मंदिर के राइट साइड में जो है मेट्रो स्टेशन, जिसकी जो है योजना गोरखपुर में चलाने की चल रही है, तो ये मेट्रो स्टेशन का यार्ड बनने का प्रस्ताव यहीं पे जो है पारित किया गया है। और बहुत जल्दी यहाँ का डेवलपमेंट का काम इतना तेजी से जो है आगे बढ़ेगा, क्योंकि पूर्वांचल की राजधानी के तर्ज पे गोरखपुर को विकसित किया जा रहा है। और अभी आप देखे होंगे मात्र चार दिन पहले स्टेडियम में जो है 50,000 लोगों की कैपेसिटी का एक स्टेडियम और 5 स्टार होटल ये सारी चीजें पास भी हो गई जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार गोरखपुर में विकास की ओर आगे बढ़ रही हैं। बोलते हैं महेश्वरा पुल जी, यही महेश्वरा पुल है। और यहाँ से जो है मात्र जो है 3 किलोमीटर की दूरी पे हमारी जो है साइट है। और यहाँ से आप देख सकते हैं 500 मीटर आगे जाने के बाद आपके सामने जो है महुआ तिराहा बोलते हैं चौराहे को। अच्छा। ये महुआ तिराहा है जहाँ पे देखिए ये ओवरब्रिज बन रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं कि ये तो हमारा 4 लेन है जिसको 6 लेन बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं 6 लेन बना हुआ है, आप रोड को देखिए। और ये महुआ कर इसको बोलते हैं। और मात्र इसी चौराहे से जो है मुझे लगता है कि 600 मीटर की दूरी पे जी भैया जी योगी जी का पीजीआई है। मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ राइट साइड में चलने पे, ये जो ओवरब्रिज है राइट होते हुए सीधे योगी जी की पीजीआई होते हुए निकल जाएगा, ये आयुष विश्वविद्यालय। अच्छा, अभी ये पूरी तरह बना नहीं है, ये जो अभी निर्माणाधीन है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। और यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे आयुष विश्वविद्यालय है, और इस रोड को भी 4 लेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं राइट साइड में, और ये देखिए महा योगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय मात्र 600 मीटर की दूरी पे है। इधर से भी हम अपने साइड पे जा सकते हैं, क्योंकि इस रोड से और इस 4 लेन से बाईपास पे हमारा ये साइड उपलब्ध है जी। ये जो है मानीराम ओवरब्रिज है जी, आप देख सकते हैं ये 6 लेन बना हुआ है। और इस की जो खासियत बताया, ये 6 लेन जो है इसको ओवरब्रिज को बनाया गया है, क्योंकि आने वाले समय में ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर सनौली तक जो है ये 6 लेन बनने वाला है। अच्छा। मानीराम रेलवे स्टेशन पे आपको ये मानीराम रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ से जस्ट पूरब 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारी साइट है। ठीक है, तो जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये है सामने मानीराम रेलवे स्टेशन, ठीक है, जस्ट सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमारा कितने दूर की साइट है? मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे, यहाँ से पूरब जो है 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारी साइट अल्मा मेटर, गोरखपुर का फेमस स्कूल। और जस्ट इसके बगल में ही है आपको DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो भारत का जाना माना जो है स्कूल है, और भारत में तमाम इसकी संस्थाएं हैं। यह सब हमारे प्लाट से जो है 3 किलोमीटर के दायरे में सारे स्कूल वगैरह सारी चीजें हैं जी ना। और ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये बाउंड्री आशीष नेहरा द्वारा जो है इसको की गई है, और लगभग 35 या 40 एकड़ में, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। ये देखिए हमारा DPS है दिल्ली पब्लिक स्कूल का गेट, और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पे जो है क्रिकेट एकेडमी जो है आशीष नेहरा जी जो खोलने वाले हैं। और ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। अब हम चलते हैं आपको लेकर के जंगल कोड़िया, जहाँ से रिंग रोड जो है निकल रही है। ये वो 4 लेन जो है वो रिंग रोड का ही पार्ट है, जो सीधे जो है आपका सहजनवा से बीटा के आगे सहजनवा 0 माइल से लेते निकलते हुए सीधे हमारी जो है जंगल कोड़िया की तरफ आ रहा है। अच्छा। और वहीं पे एक जो है गोलंबर बनाया गया है, जहाँ से ये रिंग रोड सीधे पूरब होते हुए हमारे प्लाट को टच करते हुए जो है और सीधा निकल जाएगी जगदीशपुर माड़ा पार्क में। और आप देख सकते हैं ये लोरेटो गर्ल्स स्कूल है, बहुत ही फेमस स्कूल ये भी है। आपके साइट के आसपास में 500 स्कूल काफी ज्यादा देखने को मिले, अच्छे अच्छे स्कूल, मीडियम क्वालिटी से लेके हाई क्वालिटी तक के जो है यहाँ पे सभी प्रकार के स्कूल मिल जाएंगे। ठीक है, राइट साइड निकलेंगे तो जगदीशपुर माड़ा पार जाएंगे, सारे लोकेशन सुनौली लखनऊ बनारसी, ये सारे रिंग रोड एक दूसरे से जोड़ रहा है। रिंग रोड का मतलब वाराणसी वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इस जो है रोड मार्किंग को देख सकते हैं, ये सीधा रोड जो निकल जाएगा जो है आपका सनौली रोड, रोड का गोलंबर है।
यहीं से एक रोड जो है सीधा जो दिखाई दे रही है आपको, ये सोनौली निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये राइट होंगे तो सीधे हम लोग जो गोरखनाथ मंदिर और रेलवे स्टेशन चले जाएंगे, और बाएं साइड में जो ये दिखाई दे रहा है, देखिए दाहिने साइड में ये टोल रोड जो दिखाई दे रही है, ये सीधा यहाँ से लखनऊ निकल जाएगा, लखनऊ निकल जाएगा, बनारस निकल जाएगा। अच्छा। और ये सामने पूर्व दिशा में जो है, यहाँ से जो है ये जगदीशपुर माड़ा के पार की तरफ जो है आधी रिंग रोड बनना चालू हो गया है। अब यहाँ निर्माण का देखिए वो बंधा बना हुआ है, सारे बंधे बन रहे हैं, रिंग रोड के सारे काम हो रहे हैं। ये हम लोग मानीरामी स्टेशन से पूरब जो है अपने साइड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये हम जो है सर्विस लेन पे बाएं साइड का सर्विस लेन, ये आपका मानीरामी स्टेशन, और ये ओवरब्रिज के जस्ट बगल से जो है सर्विस लेन पकड़ते हुए हम सीधे अपने प्लाट की तरफ चल रहे हैं। हमारा प्लाट यहाँ से मुश्किल से 800 मीटर या 900 मीटर, 1 किलोमीटर अधिकतम जो हमारे प्लाट की दूरी है, और इसके बीच में भी तमाम ऐसे जो फेमस स्कूल वगैरह सारी चीज़ें हैं जो, और आप देख सकते हैं। बस मैं आपको ले चलो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, या तो तत्काल आप घर बनाइए या तो मकान बनाइए हमारे प्लाट पे, और ये रास्ता जो है सीधा अब हमारे प्लाट की तरफ बढ़ रहा है जी। ये रास्ता भी 30 फुट चौड़ा जो है पास हो गया है, और ये पिच रोड है। अच्छा, ये सब अभी टूटेगा जो है? जी जी बिल्कुल, यहाँ सारा निर्माण काम होना है, और ये सारे प्रस्तावित है, बहुत जल्दी जो है यहाँ पे आपका नज़ारा जो है बिल्कुल अलग होगा। अब तो आप देख सकते हैं कितना शांति प्रिय जगह है, और यहाँ देखिए बगल में आपको गोरखपुर का बहुत ही फेमस स्कूल स्टेपिंग स्टोन, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज यहाँ पे अगल बगल हमारे जो है इस साइड के हैं। मुझे लगता है कि 50 ऐसे कॉलेज हैं जो गोरखपुर के फेमस कॉलेजों में गिनती आती है। मित्रों देखिए, अब हम लोग आ गए हैं गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय, और ये रहा फर्टिलाइजर का चिमनी, आप देख सकते हैं, और ये गोरखनाथ विश्वविद्यालय में हमारे जो है ये गाड़ी प्रवेश कर रही है, जिसको हम सभी जो है मिनी पीजीआई के नाम से जानते हैं। यहाँ का भी सिनेरियो आप सभी देख लीजिए, जो हमारे प्लाट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मित्रों आप देख सकते हैं हमारी रिंग रोड जो है इसी रोड से निकल रही है, और ये जो पीले पीले खंभे की मार्किंग हुई है, आप देखिए नीतीश बाबू, ये सामने जो है पुलिया के पास जो पीले रंग की मार्किंग हुई है, यही रिंग रोड का मार्किंग है, और यहीं से जो है रिंग रोड निकलना है। मित्रों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साइड के अगल बगल में बहुत सारी कंपनियाँ जो है अपना कॉलोनी बनाने का जो है काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो है कंपनियाँ यहाँ काम कर रही हैं, और लोकेशन और सिनेरियो की बात की जाए तो यहाँ पर सिनेरियो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर वातावरण जो है बहुत ही स्वच्छ है, स्वच्छ हवा पानी सारी चीज़ें, और पूरा का पूरा जो है शांति प्रिय इलाका है, कि हमारे साइड के अगल बगल में तमाम मकान है और तमाम जो है। अब ये हमारा रोड है 30 फीट चौड़ा जो सीधे हमारे को अपने प्लाट पर ले चलता है। ये सामने जो आपको पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, इसी के बगल से हमारी साइड चालू हो जाएगी। तत्काल यदि मकान भी बनाना चाहता है तो बिजली वगैरह की सुविधा तुरंत मिलेगी? जी बिल्कुल, आपको तत्काल हम जो है यहाँ पे 1 साल के अंदर पूरा यहाँ पे रोड से लेकर के बिजली के खंभे नाली और सारी चीजें डेवलप करके जो है कंप्लीट कर देंगे जी। आप यहाँ पे तत्काल प्लाट बुक करा सकते हैं, अपने प्लाट की रजिस्ट्री ले सकते हैं, तुरंत पोजेशन ले सकते हैं, और बड़े मजे की बात आपको बताऊं कि ये हमारी जो साइट है 2 फोर लेन के बीच में। अच्छा। जो हमारे पीजीआई का जो 4 लेन है और ये सोनौली जो है 4 लेन है, उसके बीच में ये 1.5 किलोमीटर का मात्र बाईपास है जी, जिसमें 1 4 लेन से मात्र 500 मीटर की दूरी है, दूसरे सोनौली वाले 4 लेन से जो है यहाँ की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, और जो अपने आप में सुपीरियर है। वॉकिंग डिस्टेंस पे आप 12 बजे रात को भी अपने प्लॉट पे पैदल चलते हुए चले आ सकते हैं। ठीक है। अब बाकी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो या तो कुछ अपना कमर्शियल जमीन यदि यहाँ इस जगह पे लेना चाहता हो? कमर्शियल साइट तो हमारे इस साइट पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह है कि हमारे अन्य भी साइट आप जानते हैं कि गोरखपुर में हमारी तमाम साइट चल रही है, जैसे देवरिया बाईपास में हमारी साइट है, फर्टिलाइजर खाद कारखाने के पास है, गुलरिया थाने के पास हमारी साइट है, मेडिकल कॉलेज के पास हमारी साइट चल रही है, लेकिन EMI की सुविधा है, जो किस्तों में प्लाट लेने की सुविधा है, वो हमारे केवल इसी साइट पे उपलब्ध है, और बहुत तेजी से यहाँ प्लाट की बुकिंग हो रही है। जो है नीतीश जी आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि लगभग अभी तक 500 प्लाट की बुकिंग हो चुकी है। क्या बात है। जी दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जितने लोग हैं, लोग ऑनलाइन भी जुड़े हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर पे, जो हमारा मोबाइल नंबर है 9919950415, और जैसा कि सभी लोग जानते हैं हमारी कंपनी का नाम है फर्स्ट चॉइस इंफ्राटेक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। हमारा ऑफिस जो है फातिमा हॉस्पिटल बाईपास रोड पे जो है स्थित है,
और विदेशों से बैठे हुए तमाम लोग अपने फैमिली अपने परिवार को भेज करके यहाँ पे साइट विजिट कराते हैं और वहीं से बैठे बैठे ऑनलाइन अपने प्लाट को बुक करते हैं, क्योंकि सारी पेमेंट की प्रक्रिया हमारे वहाँ टोटल ऑनलाइन है। अच्छा सर, बात कीजिए इस साइट के अंदर आप अपने तरफ से क्या क्या डेवलप करके देने वाले हैं। हम अपने तरफ से यहाँ पे देखिए आपको दिखाऊं, ये 30 फीट की चौड़ी जो है सड़क हम आपको देंगे, बाकायदे इसको हम गेटेड कॉलोनी के रूप में डेवलप कर देंगे और यहाँ पे नाली बिजली के खम्भे और हमारे फेज टू के बाद एक बहुत बड़ा पार्क जो है लगभग 15,000 एरिया में एक बहुत बड़ा पार्क हम यहाँ दे रहे हैं। अच्छा। जो कि यहाँ पे जो भी लोग कॉलोनी में यहाँ जो अपना घर मकान बनाएंगे उनको कोई भी कार्यक्रम वगैरह करना होगा तो उस पार्क में अपनी सारी कार्यक्रम को कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अब बात की जाए यदि कोई बुकिंग कराना चाहता है इस साइट को तो कितना देके बुकिंग करा सकता है? हमारे इस साइट पर बुकिंग के लिए टोटल अमाउंट का 25% दे करके अपना प्लाट बुक कर सकते हैं और 50% अगर आप जमा करते हैं तो तत्काल आपको कब्जा दे दिया जाएगा, तत्काल अपने प्लाट की बाउंड्री कर लीजिए। बाकी का 50% पैसा जो होगा 2 साल की एमआई जो है 0% ब्याज, बिल्कुल बिना ब्याज के 2 साल के लिए जो है हमको आपको जो है यहाँ पे जो दे देंगे। साइट के रेट की बात की जाए तो फाइनली क्या रेट दे रहे हैं साइट पे? देखिए हमारे वहाँ यहाँ पे 3 फेज है और फेज 1 में जो है हम अपना 799 रुपए स्क्वायर फीट रेट रखे हुए हैं जी। फेज 2 में 699 का रेट है, फेज 3 में और 4 में जो है 599 और 499 रुपए स्क्वायर फीट है। अच्छा। मात्र 3,99,000 रुपए में हम आपको इस साइड पे 800 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट दे देंगे जिसमें कि आपका एक छोटा सा बहुत ही शानदार मकान बनेगा। अच्छा। मात्र 3,99,000। बात की जाए स्क्वायर फीट को तो कितने स्क्वायर फीट? देखिए हमारे इस साइड पे 800 स्क्वायर फीट से लेकर के 800 स्क्वायर फीट 1000 1200 1500 2000 2500 और फ्री साइज हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहें तो 10,000 स्क्वायर फीट 20,000 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट हमसे ले सकते हैं। अच्छा अच्छा जी ठीक। तो अभी मैं आप लोगों को पूरा लोकेशन दिखाते हुए साइट का पूरा लगभग मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ। यदि आप इस जगह पे बुकिंग कराना चाहते हैं तो आपको सीधी एएमआई पे प्लॉट जो है वो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यदि आपको यहाँ पर प्लॉट बुक करना है या तो तत्काल आपको अपने गोरखपुर में अपना खुद का आसियां बनाना है तो डायरेक्ट जो नंबर चल रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, उस पर सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ यदि आप इनके ऑफिस में भी विजिट करना चाहते हैं तो ऑफिस का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। बाकी आज की ये वीडियो और आज का ये लोकेशन साइट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप ये हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आते हैं तो आपको तुरंत रजिस्ट्री पे 5% का छूट भी मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह का यदि आपको और भी मार्केटिंग वीडियो देखना रहा, सस्ते प्रोडक्ट या तो आपको कुछ बिजनेस आइडिया जानना रहा तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी और यदि हमारा ये वीडियो आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।